देखिए, मेरा नाम विजय रैना है, मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ कुलगाम से और सरपंच भी हूँ चौगाम दिवसर से। आज मैं एक डेलीगेशन लेके जो गुंड टंकी पोरा के जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो 2014 में बाढ़ आई थी और जिसकी वजह से इनके घर माल जो भी इनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी वो उसमें खत्म हो गई थी, वो बाढ़ अपने साथ ले गई थी। आज मैं माननीय एलजी साहब जी, जो हमारे मनोज सिन्हा जी है, उनसे हम उनके राजभवन में आज हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली थी। आज हम उनसे मिलने गए थे पूरा डेलीगेशन लेके और उनको हमने जो ये दर्द भरी जिंदगी जो ये जी रहे हैं पिछले 8 साल से वो उनको हमने बताया और उन्होंने अच्छी तरह से इसका संज्ञान लिया। हमने ये भी उनको बताया कि ये एक रूम 3 शेड में रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस दुख और दुविधा में ये जी रहे हैं। तो माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने अच्छी तरह से इसका संज्ञान लिया और पूरा आश्वासन दिया हमें कि मैं ये जो केस है ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनके साथ पुटअप करेंगे और जल्दी इसका कुछ ना कुछ निवारण करेंगे। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी डिस्कशन किया कि जो हमारा चौगाम है, जो हमारी पंचायत है चौगाम, ये ब्लॉक के लिए हम इसके लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और उसके लिए भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ये देखेंगे कि दिवसर को कैसे हम उसमें से निकालेंगे चौगाम को और उसके लिए वहाँ एक ब्लॉक अनाउंस करेंगे, उसके भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए हमें उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। मैं तहे दिल से और साथ में ये जो टीम हमारी है टैंकी पूरा गुंड टैंकी पूरा की जो विक्टिम्स ऑफ फ्लड हैं, इन की तरफ से माननीय एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उनने हमारा हमें कीमती समय दे के हमारी जो ये परेशानी है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।